नमस्ते, हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय क्लेवर किचन अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ हमारे इजी ब्रेकफास्ट की थर्ड रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम ब्रेकफास्ट में बनाने वाले हैं बहुत ही इजी और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में मसाला टोस्ट। तो चलिए हम उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम मसाला टोस्ट बनाने वाले हैं, तो हम सबसे पहले उसके लिए अपनी आलू की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम अपनी गैस को ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई, 4-5 करी लीव्स, 1 ग्रीन चिली, पिंच ऑफ सॉल्ट और स्टर करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे मैश पोटैटो। ये मैंने 5 पोटैटो लिए थे और मैंने उसको बॉईल कर लिया था। ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पोटैटोज हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको सैंडविच पे लगाने से पहले इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हम इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। जब तक हमारा आलू का मसाला ठंडा हो रहा है, हम तब तक अपनी हरे धनिया की चटनी बना लेते हैं। आप लोग वैसे भी इसको यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे अपने सैंडविच के लिए इसको बना रही हूँ। तो हम सबसे पहले लेंगे हरा धनिया, एक हरी मिर्च, 4-5 पुदीने के पत्ते, 2 आइस क्यूब्स, ये मैंने कच्चा आम लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़े खट्टेपन के लिए, 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 4-5 लहसुन की कलियां और 1 टीस्पून कर्ड। हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है, अगर इसमें पानी ऐड करेंगे तो जो हमारी ब्रेड्स हैं वो सॉगी हो जाएंगी, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारी चटनी बन चुकी है, हम इसको बोल में खाली कर लेते हैं। आपको इसमें नींबू ऐड नहीं करना है, क्योंकि नींबू ऐड करने से जो हमारी चटनी है उसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पे रेडी है हमारा आलू का बैटर एंड हमारी हरी चटनी। तो चलिए अब हम अपने सैंडविचेस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी ब्रेड पे लगाने के लिए है बीटरूट्स, अनियंस, कैप्सिकम, टमाटोज, गरम मसाला, चाट मसाला एंड सॉल्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने इन सभी को बिल्कुल पतला पतला काट लिया है। ये देखिए, मैंने इनके स्लाइस कर लिए हैं। अब हम इसको अपनी ब्रेड पर अरेंज करेंगे। तो पहले हम अपनी ब्रेड पर लगाएंगे बटर, अब हम लगाएंगे हरी चटनी, अब हम लगाएंगे हमारी आलू की स्टफिंग, हमें एक ही साइड पर ही लगानी है। हमने इस पे आलू की स्टफिंग लगा दी है। अब हम इस पे लगाएंगे अपनी ये वेजिटेबल्स। हम इस पे लगाएंगे अनियन,
टोमेटो, बीटरूट एंड 1 कैप्सिकम, और हम इस पे अब स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, सम सॉल्ट, और अब हम इसको हमारी दूसरी ब्रेड से कवर कर देंगे। तो चलिए अब हम इसको सेक लेते हैं। तो हम करेंगे अपनी गैस को ऑन। आप लोग इसको अपने टोस्टर में भी सेक सकते हैं। इस पे मैं अप्लाई करूंगी थोड़ा सा बटर। और अब मैं रखूंगी अपनी ब्रेड को। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बटर अप्लाई कर देंगे। ये हमारा सैंडविच है जो एक तरफ से सिक चुका है, तो हम इसको पलट लेंगे। आराम से पलटिएगा। इसको आपको दोनों तरफ से ही अच्छे से क्रिस्प करना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे सैंडविचेस है वो एक तरफ से बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। हमें इसे दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से सेक लेना है। तो ये जो ब्रेड है वो बिल्कुल अच्छे से क्रिस्प हो चुकी है। तो चलिए हम इसको प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो अब हम इसको करेंगे कट। ये मेरा केक कटर है। अब हम इसको देंगे कुछ फाइनल टच। तो हम सबसे पहले इस पर लगाएंगे हमारी थोड़ी सी हरी चटनी। अब हम इस पे डालेंगे चीज। आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आप। और अब हम इस पे डालेंगे ये बारीक सेव। तो चलिए अब हम इसको प्लेट में डालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेडी है हमारा मसाला टोस्ट। आप लोग भी इसको घर में जरूर ट्राई करें। तो कैसे लगी आपको मेरी मसाला टोस्ट की रेसिपी? अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए हम फिर से मिलते हैं एक और नई ब्रेकफास्ट की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।